ओके हरे कृष्णा, कैसे आप लोग। तो अभी देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है ना, आप किसी न्यूज चैनल को खोलो, किसी का नाम नहीं लूंगा, पता चले कौन सा न्यूज चैनल वाला मेरी बात का बुरा मान जाए और स्ट्राइक भेज दे। तो किसी भी न्यूज चैनल पे जाके देख लो, किसी भी सोशल मीडिया पे जाके देख लो, हर जगह बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ही चर्चा हो रहा है। हर व्यक्ति इनके ऊपर वीडियो बना रहा है और व्यूज ले रहा है। अब कुछ लोग बोलेंगे तू भी तो यही करने वाला है ना, वीडियो बना के टीआरपी लेगा। तो मैं इसका जवाब दूंगा एंड में। खैर आज की वीडियो में मैं 3-4 चीजों पे बात करने वाला हूँ, जैसे कि ये क्या सच में कोई पाखंडी व्यक्ति है जो खुद को बड़ा बताने के लिए अपने आप को भगवान साबित करने में लगा पड़ा है। दूसरा कि क्या सच में कोई ये शक्ति है इनके पास, जस्ट अदर्स मेंटलिस्ट की तरह ये भी एक मेंटलिस्ट ही है। और तीसरा पॉइंट कि सच में कोई भूत वगैरह भगाते भी है या भूत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती भी है या फिर ये भी बस बेवकूफ बनाने में लगे पड़े हैं। और चौथा पॉइंट कि भाई बागेश्वर धाम को एक्सपोज करके क्या प्रोपेगेंडा सिद्ध किया जा सकता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देगा, बिकॉज आपका भी तो कुछ है इस चैनल पे अधिकार, व्यूज थोड़ी देख के थोड़ी जाना है, सब्सक्राइब भी करना है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि क्या सच में कोई पाखंडी व्यक्ति है या सही जेन्युइन आदमी है ये। देखो जो वास्तविक साधु संत होते हैं, पुजारी होते हैं, इनका कर्तव्य होता है लोगों को धर्म से जोड़ना, भगवान से जोड़ना, वैदिक शास्त्रों से जोड़ना। तो क्या कभी भी ऐसा हुआ है जो धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बोला हो कि भगवान की नहीं मेरी पूजा करो, मेरी फोटो के सामने आरती करो, मेरे पैर छुओ। अगर वो ऐसा कुछ बोल रहे करने को और अपने आप को गॉड से भी ऊपर रख रहे हैं, देन वी कैन से कि वो पाखंडी है। बट क्या ऐसा कुछ कहते हैं वो, चलो देखते हैं। और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं, हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। न आप कुछ हो न हम कुछ। अपने आप को मिरेकल मैन या गॉड या इवन ग्रेट सन्यासी तक नहीं बोल रहे। तो देखा जाए तो ये तो सीताराम लोगों से बुलवा रहे हैं, बागेश्वर धाम की जय, बालाजी की जय, मतलब हनुमान जी की जय, ये बोल रहे हैं। तो पाखंडी कैसे हुए ये? तो अगर लेवल 1 देखा जाए पाखंड का, कि खुद को क्लेम करना एज गॉड, ऐसा तो नहीं बोला, तो जो बेसिक लेवल है उससे तो नहीं कह सकते कि पाखंडी है। तो फिर दूसरे लेवल क्या है, कि कोई शक्ति वक्ति है भी या फिर ये शक्तियों के नाम से बस अपने आप को बड़ा करने में लगे पड़े हैं, सिर्फ मेंटल ट्रिक्स है। जैसे अदर्स मेंटलिस्ट हैं इंडिया के, जैसे सुहानी साई इज वन ऑफ देम, शी इज क्वाइट पॉपुलर नाउ डेज और काफी मीडिया में आके ये बोल रही है, एंड अदर्स ऑल्सो आर कमिंग ऑन मीडिया, कि जो बोल रहे हैं कि नहीं ये मेंटल ट्रिक्स है और कुछ नहीं है। तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है ये मेंटल ट्रिक को यूज करते हैं, बट यहाँ पे मैं चेक करूंगा कि वो ये टेक्निक किस पर्पज से यूज करता है। अगर एक आदमी एक साल 100 लोगों को रोज खाना खिलाए दिन में एक बार, तो कितना खर्चा होगा आप मुझे खुद कैलकुलेट करके बताइएगा। और ये कई सालों से हजारों लोगों को रोज खाना बांट रहे हैं, तो पैसा तो चाहिए ना। हम जब भी धार्मिक चीजों की बात आती है तो हम अंधे क्यों हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये धर्म का कर रहे हैं, ऊपर से पैसा गिर जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है ना। आप किसी शॉप पे जाओगे, सब्जी खरीदोगे तो पैसा चाहिए। अगर वो पैसा कमा भी रहा है तो लगा तो सोसाइटी के वेलफेयर में रहे ना। 121 गरीब बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी के रुपयों से करवाया जाएगा। अगर 40 लड़की की शादी वो कराते हैं और सबको एक एक अलमारी 10,000 की भी दे रहे हैं और कुछ बर्तन दे रहे हैं, एक फ्रिज दे रहे हैं, आपको लगता नहीं कि अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, उसके लिए पैसा चाहिए। कि सबको ही मंदिर बनवाता है, हमने सोचा हम मंदिर नहीं हम कैंसर हॉस्पिटल बनवाएंगे। 400 बेड का कैंसर हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं जहाँ पे इलाज चलेगा लोगों का। अब मुझे ये बताओ, जितने भी 25-30 मेंटलिस्ट जो भी है, अगर वो सारे आ जाए, वो जितना कमाते हैं और ये धीरेन्द्र जी जितना कमाते हैं, कौन ज्यादा फिर फिलैंथ्रोपी एक्टिविटी कर रहा है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी में ज्यादा अच्छे से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। मैं उस बेसिस पे जज करूंगा कि कौन पाखंडी है कि अपनी कला को अपने सेल्फिश पर्पज से यूज कर रहा है। तो अपने इस आर्ट से, मेंटलिस्ट मेंटल वाली ट्रिक से कनेक्ट तो भगवान सीताराम से ही कर रहे हैं, कनेक्ट तो हनुमान से ही कर रहे हैं।
जी, ईश्वर के चरणों में ध्यान कैसे लगाया जाए? ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले चित्र के चरणों में, जो विग्रह हैं राम जी के, हनुमान जी के, गुरु जी के, जिनको आप मानते हो, उनके चरणों में पहले ध्यान करना प्रारंभ करो। फिर धीरे धीरे उनके मुख पर देखना प्रारंभ करो, उसको अपनी आंखों में बसाने का प्रारंभ करो। फिर चलते फिरते नेत्र बंद करके उसी मूर्ति को लाने का प्रयास करो, आपका मन एकदम शांत होने लगे। तो चलिए बात करते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर कि भाई क्या भूत वगैरह होते हैं या फिर ये जो बाबा जो लोग हैं ये सब ऐसे ही करने में लगे पड़े। वेल, होते तो हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोल रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बोल रही है। राजस्थान के कई ऐसे किले हैं जिसको गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे ना जाएं, हंटेड प्लेस बताए गए हैं। मैंने अपने पर्सनली सोसाइटी में बहुत बार देखा है, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग नॉर्मल होता है, सडनली उनके ऊपर कुछ होने लगता है, वो अजीबोगरीब एक्ट करने लगते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे ऊपरी चक्कर है, कुछ ऊपरी चक्कर है, कुछ लोग बोलते हैं अरे भूतिया चक्कर है। हम जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बहुत साइंटिफिक बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं नो, इट्स लाइक मेंटल डिसऑर्डर, इसको कुछ बीमारी है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, इसके ऊपर कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन है। कुछ भी बोलो, पर्सन तो परेशान है या नहीं है, वो तो अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। अब धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति हनुमान चालीसा वैदिक मंत्रों की वजह से अगर उसको नॉर्मल स्टेट में लेके आ जाते हैं तो वो तो अच्छी बात है ना। ऑल दो जो लोग साइंटिफिकली टेम्परमेंट की बात करते हैं उनके लिए तो खुशखबरी है कि मंत्रास की वजह से भी व्यक्ति का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो नॉर्मल हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये खुशखबरी है कि यार वैदिक मंत्र पे अगर अच्छे से रिसर्च की जाए, उसके जो मंत्र को डिकोड किया जाए, क्या पता जो वेद शास्त्रों में बताया जाता था कि मंत्रों की शक्ति से हवाई जहाज उड़ सकते थे या मंत्रों की शक्ति से कई बीमारियां ठीक हो सकती थी, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती थी, अगर हम कर पाए तो अच्छी बात है ना। और हनुमान चालीसा तो बोलती भी है भूत पिशाच निकट ना आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो जब महावीर के नाम से भूत पिशाच नेगेटिव वाइब्रेशन जब जा रही हैं और लोग ठीक हो पा रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो है नहीं धीरेन्द्र जी ये बोल रहे हैं कि भूत पिशाच निकट ना आवे, मेरा नाम धीरेन्द्र शास्त्री जब नाम सुनावे। वो तो भगवान जी की कोई की भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं, लोगों को सीताराम से कनेक्ट कर रहे हैं, धाम से कनेक्ट कर रहे हैं, हनुमान जी की भक्ति करने को बोल रहे हैं, कुछ गलत है? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बताऊँ क्या है? फोर्थ पॉइंट, मीडिया और जो सो कॉल्ड जिन लोगों ने इन पर आरोप लगाए ये सब एथिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। एथिज्म क्या? आप भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, पर मंत्र मंत्र से कुछ होता थोड़ी है, ये तो आप चीट कर रहे हो। तो पहले मंत्रों से विश्वास उठा दो, साधुओं से विश्वास उठा दो, धीरे धीरे भगवान से भी उठ ही जाएगा, देन वॉट लेफ्ट? एथिज्म की देर इज नथिंग, कोई गॉड नहीं है, जो भी है यही हम ही है। आप धीरेन्द्र जी को या दूसरे साधु को इतना नेगेटिव क्यों प्रेजेंट कर रहे हो? ये धीरेन्द्र जी जितना कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, बच्चों की शादी कराना, हॉस्पिटल के लिए तैयारी करना, कितने लोग कर रहे हैं? आई थिंक ये चीज हाईलाइट करनी चाहिए ताकि जो दूसरे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी सीखे कि यार हम भी फेमस हो रहे हैं तो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। पर नहीं, आपको बस यही दिखाना है कि नहीं ये पखंडी हो सकता है, पखंडी हो सकता है। आपको हर साधु अगर चोर दिख रहा है, हर साधु पखंडी दिख रहा है, इसका मतलब यही है आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि कोई साधु अच्छा हो ही नहीं सकता। रियल पाखंड पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ, जिसके ऊपर आप बहुत कम बात करते हो। रियल पाखंड ये है कि आप आजादी के आड़ में आप वल्गैरिटी को प्रमोट कर रहे हो, कॉमेडी के नाम पर आप अब्यूजिंग लैंग्वेज को, एफ वर्ड को, गाली गलौज को पॉपुलर कर रहे हो, सेकुलरिज्म के आड़ में कि भाई सब बराबर है इसलिए भगवान को मत मानो, एथिज्म को प्रमोट कर रहे हो। रियल पाखंड ये है, पाखंडी धीरेन्द्र जैसे लोग नहीं है, पाखंडी हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, जो कि अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं, किसी को भी ऊंचा दिखा सकते हैं, सच्चाई से तो किसी को कुछ मतलब ही नहीं है। तो मेरा तो जाते जाते यही रहेगा, मीडिया के प्रोपगंडा में मत आइए, आपको भगवान ने बुद्धि दी है, हमें बुद्धि दी है, बुद्धिमान बनिए, विवेक का इस्तेमाल कीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए अच्छे से, पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। जस्ट बिकॉज कोई व्यक्ति की भाषा थोड़ी लोकल है, थोड़ी एलाइट नहीं है, वो हर कुछ देर में इंग्लिश शब्द नहीं बोलता, तो इसका मतलब वो गवार हो गया। हम आप तो यही समझ रहे हैं क्योंकि धीरेन्द्र जी तो ऐसी भाषा बोलते हैं, थतरी के। पर anyway, सोसाइटी में हम दोनों से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनका, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो ये मेरे वीडियो आज के यहाँ पे समाप्त करूँगा मैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं जो मैं आखिरी बोला था कि हम सब यही मिलके कर रहे हैं धर्म का प्रचार,
कभी भी हमारे साधु संतों पर अगर झूठे आरोप लगते हैं, धर्म पे आरोप लगते हैं, रामायण पर आरोप लगते हैं, तो मेरा काम ही यही है कि भाई मैं आपको उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करूं, सही पर्सपेक्टिव प्रेजेंट करूं। आपको मेरा काम अच्छा लगा होगा तो आप मुझे भी फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें डोनेट करके हमें हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और हमने रिसेंटली एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी भगवान सड़क पर, उसको भी जरूर देखेगा, उसमें हम हिंदू समाज में भगवान के प्रति कैसे गलतियां करते हैं उसके ऊपर थोड़ा बात की गई है, तो देखें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।